नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज कोच पर। साथियों, आज हम एक ऐसे कानून के बारे में आपको बताने वाले हैं जो प्रधानमंत्री सरकार ने 20 जुलाई से लागू कर दिया है। साथियों, हम बात कर रहे हैं नए कानून उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। जी हां साथियों, इसको मोदी सरकार ने 20 जुलाई से लागू कर दिया है और इस अधिनियम ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह ले ली है। साथियों, क्या है ये कानून, क्या क्या इसमें बदलाव किए गए हैं और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 से कैसे यह अलग है और क्या क्या सिक्योरिटी ये कंज्यूमर को प्रोवाइड कराता है, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिलती रहे। साथियों, जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो। साथियों, मोदी सरकार ने यह जो नया कानून लागू किया है वह हमारे देश की जनता को और ताकतवर बनाएगा, धोखाधड़ी करने वाले लोगों पर लगाम लगेगी। साथियों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को 20 जुलाई से लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह कानून उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के स्थान पर इम्प्लीमेंट किया गया है। साथियों, कानून को 2019 में ही तैयार कर लिया गया था और इसे मार्च से अप्रैल महीने में लागू करना था, लेकिन कोरोना की वजह से इसे डिले कर दिया गया और अब इसे जुलाई में इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। साथियों, इस नए कानून में सरकार ने ग्राहकों के हितों के लिए नए कानून लागू किए हैं। ये जितने भी नियम है पुराने एक्ट में नहीं थे। मैं इस कानून की कुछ ऐसी विशेषताएं आपको बताने वाला हूं जो इस कानून के लागू होने के बाद हमें और बात करें कस्टमर की बहुत फायदा पहुंचाएंगी। साथियों, सबसे पहला इस कानून में जो इम्प्लीमेंट किया गया है वह है विज्ञापन पर लगाम लगाना। साथियों, कोई भी कंपनी या कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट अपने जो विज्ञापन है उनको ज़्यादा भ्रामक नहीं बना पाएगा, यानी जो उसका प्रोडक्ट होगा वह उस पर सत्यापित करेगा और यह गवर्नमेंट के द्वारा पारित किया जाएगा। साथियों, अगर आपको लगता है कि कुछ गलत जानकारी उस विज्ञापन में दी गई है तो आप कंप्लेंट कर पाएंगे। साथियों, एक जो महत्वपूर्ण बदलाव और किया गया है वह यह है कि हम देश में कहीं भी और किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में अपना मामला दर्ज करा पाएंगे, चाहे वह किसी भी जगह का मामला क्यों ना हो। साथियों, पहली बार इस कानून में ऑनलाइन और टेलीशॉपिंग कंपनियों को शामिल किया गया है। इस कानून के तहत ऑनलाइन सेल करने वाली कंपनियां अपने ऑनलाइन पोर्टल पर प्रोडक्ट्स को दिखाती हैं और सेल करती हैं, उन सबको सारी जानकारी अवेलेबल करानी होगी, जैसे उसकी वारंटी, गारंटी, रिप्लेसमेंट या कंडीशन, या वो कहाँ बना हुआ है, इंडियन मेक का है या एक्सपोर्ट मेक का है, ये सारी डिटेल उनको अपने बॉर्डर पर रिफ्लेक्ट करनी होगी। इसके साथ साथ खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करने पर कंपनियों पर जुर्माना और जेल का प्रावधान भी किया गया है। इसमें कंपनियों को बंद करने तक की सजा सुनाई जा सकती है। साथियों, अब कोई भी PIL और जनहित याचिका जो पहले कंज्यूमर फोरम में फाइल नहीं की जा सकती थी, अब वह फाइल की जा सकेंगी। इससे उपभोक्ता को बहुत आसानी होगी अपनी कंप्लेंट दर्ज कराने में। साथियों, कंज्यूमर फोरम में 1 करोड़ तक के केसों को हैंडल करने की इजाजत मिल गई है। इसके साथ साथ जो हमारा डिस्प्यूट रिडेसल कमीशन है, 10 करोड़ तक के मामले की सुनाई की परमिशन मिल गई है और इसकी नेशनल लेवल की बात करें तो 10 करोड़ से ऊपर के मामले इसमें सुलझाए जाएंगे। साथियों, इन बदलावों के साथ ही कस्टमर की सुरक्षा के लिए सरकार ने बहुत कड़े नियम लागू कर दिए हैं। इस कानून का सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो यह होगा कि ऑनलाइन सेल करने वाली कंपनियों को अब सरकार ने इस अधिनियम में लाकर बहुत सारे कस्टमरों को राहत दी है। इन कंपनियों की जो मनमानी चलती थी फ्रॉड प्रोडक्ट्स को लेकर, डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स को लेकर, वो अब नहीं चल पाएगी। तो साथियों, आप इस कानून के बारे में जानें और समझें ताकि आपसे कोई फ्रॉड करता है तो आप उसकी कंप्लेंट कर पाएं। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप इस कानून से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका अवश्य करेंगे। साथियों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो उसे लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वह जानकारी पा सकें। साथियों, आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।